विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासक शशांक मिश्रा को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान लिए हुए है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर को समय समय पर विभिन्न अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश में एकमात्र श्री महाकालेश्वर मंदिर को स्वच्छ धार्मिक स्थल की श्रेणी में स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का अवार्ड भी प्राप्त है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पौराणिक पुरातात्विक महत्व के साथ सर्वाधिक श्रद्धालु एवं विदेशी पर्यटकों के लिए आगमन का केंद्र बिंदु रहा है। महाकालेश्वर मंदिर को इस बार नागपंचमी जैसे पर्व पर कम समय में अधिक श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था के साथ दर्शन करवाने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के हस्ते मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर शशांक मिश्रा को प्रदान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, शासक SS रावत, विधि अधिकारी साकेत व्यारस आदि उपस्थित थे। महाकाल मंदिर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। सबसे अधिक दर्शनार्थी एक दिन में दर्शन करने के संबंध में, विशेष करके नागपंचमी में, जैसा कि सभी को विदित है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे दर्शन के पर्पस हेतु, और 3 लाख लोगों ने एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर दर्शन प्राप्त किए थे एक सिंगल लाइन में चलते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और पूर्व में कभी भी इतनी बड़ी संख्या किसी भी मंदिर में एक साथ देखने को नहीं मिली है, जिन्होंने दर्शन के लिए इतने शॉर्ट टाइम में एकत्रित हुए हों। तो उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए और दर्शनार्थियों को सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था देने के लिए महाकाल मंदिर को वो अवार्ड दिया गया है।